वेलकम फ्रेंड्स, प्राइम टेलीकॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरे पास में है सैमसंग का A13 LTE वाला मॉडल, 4G मॉडल सैमसंग का A13। और इसके अंदर की प्रॉब्लम है, इसकी स्क्रीन है उसके अंदर लाइट नहीं आ रही है। ये मैं आपको देखिए चार्जिंग लगाकर चेक करवाता हूँ। इसकी स्क्रीन है उसके अंदर किसी भी प्रकार की लाइट है नहीं आ रही है। ये मैंने चार्ज लगा दिया इसे और स्क्रीन देखिए यहाँ पर से आपको दिखाई देगी। वैसे तो ये डैमेज है लेकिन स्क्रीन है, इसके अंदर लाइट कुछ भी नहीं आ रही। देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसका जो रिफ्लेक्टर है इसके अंदर कोई भी लाइट दिखाई नहीं दे रही होगी। मैंने चार्ज लगा दिया है फ़ोन को लेकिन फिर भी इसके अंदर अभी तक कोई भी लाइट वगैरह नहीं आई है। तो चलिए, इसको कैसे रिपेयर करना है मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसे रिपेयर करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस फ़ोन का जो LCD लाइट का सेक्शन है वो कहाँ है। तो उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इस फ़ोन का जो लाइट सेक्शन है वो कहाँ होता है। तो इसके लिए हम इसे बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद में अभी मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ कि इसका जो लाइट सेक्शन है वो कहाँ है। तो ये फ़ोन का मदरबोर्ड देखिए ऊपर से इस प्रकार का दिखता है और नीचे से देखेंगे तो किस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पर इसका शील्ड लगी हुई थी जो मैंने पहले निकाली है, लेकिन अभी जब मैंने इसका फॉल्ट देखा तो फिर मैंने सोचा वीडियो आपके लिए बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसका CPU और मेमोरी IC है, आपको यहाँ पर साथ के साथ मिल जाएंगे। साथ ही देखिए यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका लाइट का सेक्शन है। यहाँ से जो आपकी डिस्प्ले की लाइट है वो कंट्रोल होती है। तो इसकी लाइट नहीं आ रही तो हमें यह पहले यहीं पर चेक करना था कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। और देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर इसका जो फॉल्ट है वो दिखाई दे जाएगा कि क्या इसका फॉल्ट है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा, और ऐसा टेढ़ा करूँ तो आपको देखिए और दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इसकी लाइट की कोयल है यहाँ पर लीक हुई है, पता नहीं किस वजह से हुई है। तो इसकी वजह से यहाँ पर सारा जो है ब्लैक ब्लैक हो रहा है और इसलिए हमें इसकी जो लाइट कोयल है उसे चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। और देखिए इस तरफ से अगर आप कोयल को देख पाएँ, यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। देखिए यहाँ पर से आप कोयल को देख पाएंगे, ये जो कोयल है यहाँ पर आप इस तरफ से साफ साफ देख सकते हैं ओके है। और इस तरफ से अगर आप इसे देखेंगे हल्का हल्का सा ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर से आपको ये दिखाई देगी इसके अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक सा है, ये यहाँ से लीक है इस तरफ से। तो इसलिए ये जो कोयल है ख़राब हो चुकी है जिसकी वजह से शायद लाइट नहीं आ रही है। तो पहले हम जो है इस कोयल को चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारी लाइट की प्रॉब्लम इससे ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि यही यहाँ पर लीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी डिस्प्ले में लाइट आती है कि नहीं आती है। तो पहले हम इसको चेंज करते हैं, उसके लिए हमें इसे निकालना होगा। तो फटाफट असेंबली से इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे। मैंने एक कोयल है निकाल के रखी है तो साथ के साथ हम इसे रिप्लेस भी कर देंगे। देखिए ये मैंने निकाल ली है और यहाँ पर अभी देखिए ये जो दूसरी कोयल है ये हम लगा देते हैं। तो ये कोयल है वो हमारी लग गई है। अभी जो पुरानी कोयल है वो मैं आपको साफ साफ दिखा देता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है। ये देख सकते हैं आप, ये जो कोयल हमने इसके अंदर से निकाली है इसको मैं यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर रख के इसको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। देख सकते हैं ये जो कोयल है कुछ इस प्रकार की है। और देखिए इस तरफ से आप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोयल साफ़ है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखेंगे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बीच में से आपको अलग से कलर की दिखाई दे रही होगी, यहाँ से ये जो है लीक होके ख़राब हो चुकी है। तो चलिए अब जो है इस कोयल को साइड में करते हैं और जो हमने मदरबोर्ड में कोयल चेंज करी है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं मदरबोर्ड है हमारा, ये हमने कोयल है इसकी चेंज कर ली है। चलिए अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी डिस्प्ले लाइट की वो चेंज करने से ठीक हुई है या अभी सेम की सेम है।
ऐसी सिचुएशन है, 100% ये ठीक हो जाना चाहिए। तो चलिए मदरबोर्ड है उसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। और एक बार सेट करने से पहले हम मल्टीमीटर की हेल्प से यहाँ पर मैं एक बार इसके कंपोनेंट्स हैं वो चेक कर लेता हूँ जो कैपेसिटर वगैरह हैं, कहीं ऐसा ना हो हम इसको चेक करें और कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो और जिसकी वजह से दोबारा से हमारी कॉइल ख़राब हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों कैपेसिटर हैं इनके ऊपर शॉर्टिंग है, ये देखिए शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर मुझे एक एक कैपेसिटर से निकाल कर देखना पड़ेगा। अगर अभी हम चेक करते तो अभी भी हमारी ये कॉइल है फिर से दोबारा से बर्न हो जाती। तो यहाँ पर अभी एक एक कैपेसिटर उतार के और फिर हमें चेक करना होगा इसमें से कौन सा कैपेसिटर है वो शॉर्ट है। ये तो बड़े बड़े कैपेसिटर देख रहे हैं, दो कैपेसिटर हैं। देखिए ये जो दो कैपेसिटर हैं ये शॉर्ट है, इस तरफ कोयल की तरफ का हिस्सा ठीक है लेकिन दूसरी तरफ से शॉर्टिंग है। तो एक एक कैपेसिटर निकाल के देख लेते हैं, ये जो शॉर्टिंग है हमारी नहीं निकलेगी तो ये जो हमने कोयल अभी चेंज करी है ये फिर से ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम जो कैपेसिटर है एक एक करके निकाल के देख लेते हैं कि हमारी शॉर्टिंग है वो भी निकलनी ज़रूरी है, अगर ये नहीं निकलेगी तो फिर से हमारी कोयल है वो ख़राब हो जाएगी। तो एक कैपेसिटर मैंने निकाल दिया, अब फिर से मैं मल्टीमीटर की हेल्प से यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर शॉर्टिंग अभी है या निकल गई है। तो देखिए तो अभी यहाँ पर देखिए शॉर्टिंग नहीं है, ये कैपेसिटर है यही है जो शॉर्ट था, इसका ये शॉर्ट है। तो यहाँ पर अभी हमें एक दूसरा कैपेसिटर है वो लगाना होगा, ये हम किसी दूसरे मदरबोर्ड में से लगा लेते हैं फटाफट से। ये मैं एक दूसरा मदरबोर्ड है इसमें से एक कैपेसिटर निकाल के यहाँ पर लगा देता हूँ। जब तक हम ये काम करते हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो देखिए ये कैपेसिटर है हमने एक चेंज कर दिया है, अभी चेंज करने के बाद में एक बार इस कैपेसिटर को देख लेते हैं कि ये ठीक है। तो देखिए ये ठीक है अभी। तो चलिए अब जो है हम इस फ़ोन को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारी लाइट की प्रॉब्लम ठीक हुई है या अभी भी ऐसे ही ऐसी है।
मदरबोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, मदरबोर्ड गर्म है अभी, जब तक फ्रेम में फिट करेंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पर से हमें डिस्प्ले का कनेक्टर है वो कनेक्ट कर देना है, ये देखिए। और भी बैटरी है, बैटरी को भी कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी भी हमने कनेक्ट कर दी है। अब चलिए इसके अंदर चार्जिंग लगा के देखते हैं। ये मैंने चार्ज लगा दिया है और देखिए, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, देख सकते हैं आप बिल्कुल साफ साफ, चार्जिंग लगाते ही ये लाइन है यहाँ पर विजिबल हो गई है। ऊपरी तरफ से आपको देखिए स्क्रीन टूटी हुई दिखाई दे रही है और देखिए स्क्रीन में कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लाइट की जो प्रॉब्लम थी वो हमारी ठीक हो गई है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है पूरी प्रोसेस में। इसकी जो लाइट कॉइल थी वो लीक हो गई थी, उसकी वजह से जो इसकी लाइट है वो नहीं आ रही थी, और लीक भी होने का कारण था इसका एक कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो गया था, जिसकी वजह से इसमें लाइट है नहीं आ पा रही थी। तो फ्रेंड्स, ये सैमसंग का A13 मॉडल था जिसमें लाइट की समस्या थी, जो हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर ली है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। साथ ही जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करके ऑल का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाएँ। तो चलिए, मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।